तो भाई ऑनलाइन पैसे कमाने की बात आती है तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे आसान और बेहतर मुझे लगता है एफिलिएट मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में भाई ना आपका प्रोडक्ट है, ना आपको मैन्युफैक्चर करना है, ना आपको उसको स्टॉक करना है, ना आपको डिलीवर करना है, सिर्फ आपके द्वारा किसी और का प्रोडक्ट बिक रहा है और उस प्रोडक्ट के लिए आपको 2 से 10% तक का कमीशन मिल रहा है उस प्रोडक्ट पे। वह प्रोडक्ट चाहे जितने का भी हो उस पे आपको 2 से 10% तक का कमीशन मिलता है। तो भाई ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका अभी एफिलिएट मार्केटिंग ही है। और भाई अभी एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि भाई ये फोन से भी किया जा सकता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और भाई जहाँ एफिलिएट मार्केटिंग की बात आता है तो लोगों को लगता है कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में 4-5 प्रोडक्ट का लिंक डाल देते हैं वही है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन नहीं भाई, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है या फिर ये भी कह सकते हो कि बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जहाँ से लोग बहुत सारे मेहनत करके बहुत चीज़ अचीव करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए और भाई लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो। अब भाई अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म के बारे में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग की, क्योंकि भाई अमेजॉन बहुत बड़ी कंपनी है और ट्रस्टेड है, तो इसलिए हम अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में टॉप 3 जो कि सबसे आसान है कोई भी कर सकता है इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाला है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको 3 बड़े रीजन दे देता हूं कि आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहला, आप इसको अपने फोन से ही कर सकते हो, आपको किसी बड़े पीसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है और अपने घर पे रह के कर सकते हो, आपको किसी ऑफिस की भी आवश्यकता नहीं है। बात कर दोस्तों अगर दूसरी चीज की तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है ये एफिलिएट मार्केटिंग। और बात कर दोस्तों हम तीसरी चीज की तो वह है पैसिव इनकम। जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये कोई एक्टिव इनकम नहीं है कि भाई आपको रोज रोज काम करना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, ये एक पैसिव इनकम है। अगर आप एक बार काम करते हैं तो आपको हमेशा पैसे मिलते रहेंगे जब तक कि प्रोडक्ट बिकता रहेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग करने के 3 सबसे बड़े तरीकों में, उसमें सबसे पहला तरीका है दोस्तों वेबसाइट। आपको सिंपली सा एक ब्लॉग लिखना है, जो कि आप बोलते हैं आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है, उसको एक अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है। अब भाई वो किस चीज पे लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो ब्लॉग किसी स्मार्ट वॉच के बारे में हो, हो सकता है किसी एलईडी के बारे में हो। तो मान लीजिए दोस्तों आपने किसी स्मार्ट वॉच के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा, उसको बहुत अट्रैक्टिव लुक दिया, उसको आपने अपने वेबसाइट पे पब्लिश करा। अब भाई जब ये लोगों के पास पहुंचेगा, जब लोग इसको रीड करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये एक अच्छा सा वॉच है, ये हमारे काम आ सकता है, तो लोग वहां पे परचेस करेंगे। अब भाई ये कितने बार हो सकता है आपके साथ, आपने एक बार इसको पब्लिश किया, अब भाई ये जिंदगी भर के लिए बिकता रहेगा जब तक लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ ये वॉच अच्छी है। तो ये एक पैसिव इनकम की तरह काम करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वेबसाइट बनाने में कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉगर से भी उस आर्टिकल को लिख के पब्लिश कर सकते हो, बिल्कुल ब्लॉगर में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। और भाई जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं उसमें से ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटर वेबसाइट के थ्रू ही अर्न करते हैं, वो ज़्यादा यूट्यूब पे ध्यान नहीं देते, उनका वेबसाइट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वेबसाइट एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग करने के दूसरे सबसे बड़े तरीके की तो वह है यूट्यूब। आप अगर मान लीजिए कोई स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगा, तो आपको सिंपली से क्या करना है, उसका एक वीडियो बनाना है। आपको उस वीडियो में उस स्मार्ट वॉच को बिल्कुल सही तरीके से दिखाना है कि इस स्मार्ट वॉच में ये फीचर है, इसको लेने से आपको ये चीज़ें फायदे हैं या फिर ये कुछ चीज़ें नुकसान है, या फिर आप जो भी आप अपने वीडियो में बताना चाहते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके का वीडियो सबसे पहले बनाना है, उसको अच्छे तरीके से एडिट करना है और आपको एक क्लिकी थंबनेल बनाना है जो कि बहुत अट्रैक्टिव थंबनेल हो, और उस वीडियो को आपको यूट्यूब पे पब्लिश करना है और डिस्क्रिप्शन में उस वॉच का आपको लिंक दे देना है जिस वॉच के आपने वीडियो बनाया है। अब जब लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो लोगों को वो वॉच पसंद आएगा, उसके बाद लोग वो वॉच परचेस करना चाहेंगे जिसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जो आपने लिंक दिया है वह एक एफिलिएट लिंक है। अब भाई जब वो वॉच बिकेगा तो आपको हर वॉच का एक कमीशन मिलेगा। तो भाई ऐसे करते करते आपका बहुत सारा रेवेन्यू आपकी यूट्यूब वीडियो से भी आ जाएगा। तो भाई YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और YouTube से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम फ्यूचर में ऐसी वीडियो आएंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी शामिल है जो कि आप इस तरीके से कर सकते हो। सिर्फ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2-4 प्रोडक्ट का लिंक दे देने से भाई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो जाता है। इस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप समझ लीजिए बहुत बड़े गेम चल रहे हैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करने। अब दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे तरीके की तो वह है इंस्टाग्राम।
आपको सिंपली से इंस्टाग्राम पे जाके एक स्टोरी रिकॉर्ड करना है जो कि एक मिनट के अंदर हो। अब उस एक मिनट में आपको उस स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स बता देना है जो कि आपको एक मतलब बेहतर लेवल की एडिटिंग करने के साथ होगा। तो आपको एक मिनट के अंदर उस वॉच का बेहतर फीचर बता देना है और भाई उसमें बोलना है कि अगर परचेस करना है तो स्वाइप अप करो, आपको स्वाइप अप वाला लिंक डाल देना है, एफिलिएट लिंक। अब भाई ज़्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ऐसे ही करते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से अपना पैसा कमाते हैं। और भाई एक और तरीका है कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर सकते हो। आपको सिंपली से एक बढ़िया सा पोस्ट क्लिक करना है, उसको बढ़िया एडिटिंग करना है और वहाँ पे आपको उस वॉच को शॉर्ट आउट पहले दे देना है। उसके बाद आपको उस वॉच का लिंक दे देना है कि अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे से परचेस कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो के लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं यूट्यूब और इंस्टा रिलेटेड और अर्निंग रिलेटेड ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।